दूसरे को काटने लायक तलवार तब बनती है जब पूरे घन से पिट पिट करके और फिर आग में रखा जाता है और फिर पीटा जाता है और उतने पे भी बख्शा नहीं गया फिर उसे घिसा जाता है और जब धार आई तब कटने लायक होती है। तो इस माया का बंधन काटने के लिए पहले पिटना पड़ेगा तुम्हें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी मार को सहो। यम ही न्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम सौम्र तत्वाय कल्पते। और तप करो, संसार को सुख देने के लिए तप के द्वारा सुख प्रदान किया जाता है। एक बार एक सज्जन आए थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे अंदर एक भय सता गया है। कहा क्या? बोले सब कुछ है लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि मरूंगा तो सब छूट जाएगा हमारा। अब इस डर से मुझे कौन बताए? तो ये डर हटाने के लिए ही भजन है। सब कुछ है लेकिन अब मरोगे, अब जाना पड़ेगा। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगी। वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं ये सब दोष आए।